कैप्सिकम ऑलमोस्ट पक चुका है, अब इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे ये चॉप किया हुआ अंडा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एग की एक रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत यूनिक रेसिपी है और आई होप कि आपने ये रेसिपी पहले खाए नहीं होंगे। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बॉयल्ड अंडा। यहाँ पे मैंने अंडा अच्छे से बॉयल करके, इसे थोड़ा हार्ड बॉयल करना पड़ता है, बॉयल करके मैंने इस तरह से छील के रख लिया है। अब इसको मैं काटूंगी, अंडा को मैं इस तरह से बीच में से कट करूंगी। और इसका योक हम अलग से निकाल के रख लेंगे, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। इस तरह से मैं हर एक अंडा काट लूँगी बीच में से। मैंने यहाँ पे 4 अंडा लिया है, आपको जितना ज़रूरत हो उतना लीजिएगा। एक योग को मैंने अलग करके प्लेट में रख लिया। अब अंडा को मैं इस तरह से चॉप कर लूंगी छोटे छोटे टुकड़ों में। इस तरह से मैं हर एक अंडा को चॉप कर लूंगी। इस तरह से मैंने सारे अंडे काट लिए। अंडा का ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज। यहाँ पे मैंने एक लार्ज साइज का प्याज लिया है, आप अपने जितना क्वांटिटी ले रहे हो उस हिसाब से बढ़ा सकते हो घटा सकते हो। मैंने एक लार्ज साइज का प्याज लिया है और इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है। आधा एक कैप्सिकम लिया है और ये भी मैंने स्लाइस में कट लिया है। ये है टमाटर, इसको भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। सारी सब्ज़ी अगर एक ही शेप में हो तो देखने में अच्छा लगता है। ये है कुछ गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता, ये है 1 टीस्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, ये है कुछ ग्रीन चिली, ये हम लास्ट में यूज़ करेंगे चीरा लगा के, और ये है कश्मीरी रेड चिली पेस्ट। क्योंकि इसमें बहुत सारा मिर्चा जा रहा है इसलिए मैंने कश्मीरी रेड चिली पेस्ट लिया है। आपको अगर बहुत ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप यहाँ पे नॉर्मल तीखा वाला जो मिर्च आता है वो भी ले सकते हो। तो अब चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। ग्रेवी बनाने के लिए पैन मैंने चढ़ा लिया है, मैं वाइट ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी ऑयल खाते हो वो यूज़ कर सकते हो। तेल गरम होते ही हम सबसे पहले इसमें डालेंगे प्याज। इसे अच्छे से ट्रांसल्यूसेंट होने तक भूनना है। अनियन अच्छे से भून चुका है, इसका टिप जो है वो हल्का हल्का ब्राउन होने लगे तो समझ जाना ये तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट मैंने रखा था वो, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसका रॉ फ्लेवर जाने तक इसको भूनेंगे। इसमें से रॉ फ्लेवर चला गया है, अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पेस्ट। आपके पास अगर रेड चिली पेस्ट मतलब कश्मीरी वाला अगर अवेलेबल नहीं हो तो आप इसके पाउडर जो आते हैं वो भी यूज कर सकते हो।
अब हम स्टेज पे डाल देंगे टोमेटो और इसको अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा डालेंगे नमक सिर्फ इसके हिस्से का ताकि ये जल्दी से पक जाए। अब इसको ढक के रख देते हैं और 5 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं। 5 मिनट हो चुका है, अब ढक्कन हटा के देख लेते हैं। ये ऑलमोस्ट भून चुका है क्योंकि टमाटर जो है वो मैशी हो चुका है। अब इस समय हम डाल देंगे इसमें कैप्सिकम। ये बहुत जल्दी पक जाता है, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इस स्टेज पे हम लोग डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे। अब कैप्सिकम डाल के 1 मिनट के लिए पका लेते हैं इसको। एक मिनट तक मैंने कैप्सिकम को पका लिया, अब ढक्कन हटा के देख लेंगे। कैप्सिकम ऑलमोस्ट पक चुका है, अब इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे ये चॉप किया हुआ अंडा और इसे अच्छे से मसालों में कोट कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बाकी के नमक। अब इसे ढक के 1 मिनट के लिए होने देते हैं। अब ढक्कन हटा के देख लेते हैं। ये एकदम तैयार है, अब हम इसमें ऊपर से रख देंगे एग योक। इसे ज़्यादा चलाना नहीं है क्योंकि ज़्यादा चलाएंगे तो ये टूट जाएगा। और ऊपर से डाल देंगे ग्रीन चिली और धनिया पत्ता। पूरी तरह से तैयार हो चुका है हमारा अंडा का ये यूनिक रेसिपी। तो बनके तैयार है यम्मी बॉयल्ड स्क्रैम्बल एग। ये बनाना बहुत आसान है, झटपट बन जाता है और इसमें पड़ने वाले सारे इंग्रेडिएंट घर पे अवेलेबल होते हैं, आपने देखा है। तो इसे ज़रूर बनाइए और इसे रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और आपके कोई भी थॉट्स हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले किसी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय।